अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर और उसमें हमने uh, कुछ कंडीशंस भी डिस्कस की थी कि जब हम अप्लाई करते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को तो दो पॉइंट्स uh, थे जिसका हमने डिस्कशन किया था कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा जो हमने डिस्कशन किया था वो ये कि स्टेट स्पेस स्टेट वेरिएबल्स के नंबर्स uh, uh, जो हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेट स्पेस वेरिएबल्स हमें सेलेक्ट करने होंगे सो इन टूडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द समेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि एसोसिएटेड होंगे विद दीज स्टेट स्पेस रिप्रजेंटेशन सो एज़ यू कैन सी इन फिगर थ्री पॉइंट फाइव हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन है और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बेसिकली हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मालूम करनी है जबकि जो आउटपुट है इस पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वी हैव टू गेट द आउटपुट दी थ्रू द रेजिस्टेंस यानी इस करंट थ्रू द रेजिस्टेंस यानी जो आई आर ऑफ टी है दैट इज आर आउटपुट साइड सो वी नीड टू फाइंड आउट दी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन तो इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी और जो स्टेप्स हमने देखे थे वी विल भी फॉलोइंग द सेम स्टेप्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्टेट स्पेस रिप्रजेंटेशन सो द फर्स्ट थिंग इज़ के हमारे पास यहाँ पर जो नेटवर्क गिवन है फिगर थ्री पॉइंट फाइव में हम वहाँ सबसे पहले तो तमाम जो हमारे ब्रांच करंट्स की वैल्यू है इस पूरे नेटवर्क में उनको लेबल कर लेते हैं t, सो दैट इज़ वाई यू कैन सी के वी हैव लेबल थ्री डिफरेंट करंट वैल्यूज एट डिफरेंट नोड्स इंडक्टर के अक्रॉस वी विल विल गेट आई एल ऑफ टी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है दैट इज आई आर ऑफ टी एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है दैट वी कैन से आई सी ऑफ टी इसके बाद स्टेप नंबर टू में व्हाट वी बेसिकली नीड टू डू इज दैट वी नीड टू सेलेक्ट द वेरिएबल्स बाय राइटिंग द derivative equation for all energy storage elements. अब ये डिस्कशन हमने इससे पहले के लेक्चर में की थी कि स्टेट वेरिएबल्स इनिशियली वी विल डिसाइड के जितने भी हमारे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होंगे उस सिस्टम के अंदर जैसे हमने मैकेनिकल के केस में मास की बात की थी कि मास इज़ वन ऑफ दोज स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स Uh, इसी तरह इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर हमारे पास फिगर थ्री पॉइंट फाइव देखें तो यहाँ इंडक्टर और कैपेसिटर दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं सो फॉर दैट वी वी कैन राइट द इक्वेशन एज सी डी वी सी ओवर डी टी इज इक्व टू आई सी यानी एक कैपेसिटर करंट है बेसिकली हमारे पास और दूसरा जो है वो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है विच इज़ एल डी आई एल डी टी विच इज़ इक्व टू वी ऑफ एल

दीज टू इन दीज टू इक्वेशन जो स्टेट वेरिएबल है वो ऐसा चूज़ करना चाहिए हमें यहाँ पे कि डिफ्रेंश टर्म्स जो हैं लेट्स वी सी और आई एल जो हमें अपेयर हो रहे हैं तो अगर वी रेफर बैक टू इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट टू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस दो देखी थी थ्री पॉइंट टू जीरो ए और टू जीरो बी कि जहाँ पे बेसिकली दो स्टेट वेरिएबल्स थे एक्स वन और एक्स टू और दोनों को हमने डिफ्रेंसीशन के टर्म्स में लिखा था डी एक्स वन ऑफ डी टी वो डी एक्स टू वो डी टी दूसरी इक्वेशन थी और उसमें हमने एक्स वन और एक्स टू के कोफ़िशंट्स के साथ जो है इनपुट इक्वेशन क्रिएट की थी यानी स्टेट वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन इनपुट uh, के साथ एक एक स्टेट uh, इक्वेशन uh, पहले स्टेट वेरिएबल के लिए थी और दूसरी दूसरे के लिए थी तो वहीं से वी हैव सीन के अगर जो उस 3.20 का जो राइट हैंड साइड था इक्वेशन का uh, तो बेसिकली 3.22 और 23 में भी अगर हम देखें तो जो इक्वेशन बनाए वो इक्वेशन हमने बात की थी कि इट हैज़ टू बी रिटर्न एज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट यानी जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑबियसली uh, और इनपुट मौजूद होगा ये हमने स्टेट स्पेस की इक्वेशन जब क्रिएट कर रहे थे फॉर द इनपुट साइड वो हमने वहाँ पे भी देखा था स्टेट इक्वेशन के लिए सो so, यहाँ पे क्योंकि जो राइट हैंड साइड है यू कैन सी के वहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं इक्वेशन 3.22 और 23 में पहला है आई का टर्म और इक्वेशन थ्री में है वी का टर्म अब आई और वी एल यहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स नहीं, नहीं हैं यहाँ स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली वी सी और आई एल है जो कि लेफ्ट एंड साइड पर हमें डिफ्रेंशिएशन के साथ नज़र आ रहे हैं तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वॉट वी विल डू कि वी विल एक्सप्रेस दिस आई सी यानी करंट अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल वी सी एंड आई एल यानी दो जो वी सी और आई एल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेट वेरिएबल्स हैं तो हम एक लीनियर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनका टू एक्सप्रेस आई सी एंड आई एल और उसी के साथ साथ विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस एन इनपुट वी ऑफ टी क्योंकि हमने इससे पहले बात की थी जब 3.20 की एक्सप्लेनेशन की बात की थी तो वहाँ हमने यही कहा था कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उसके साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा और इनपुट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली uh, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वी सी है पहले इक्वेशन क्वेश्चन थ्री पॉइंट में और आई एल जो है वो दूसरी है और वी ऑफ टी जो है वो इस सर्किट का इनपुट साइड है सो विल ट्राई टू कम अपीज इक्वेशन्स इन द अपकमिंग स्लाइड्स सो इन स्टेप थ्री जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमारे जो स्टेट वेरिएबल्स थे दो पिछली इक्वेशन में दो जो वी सी और आई एल अब हमने जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन थ्री पॉइंट टू टू और टू थ्री की जहाँ आई सी और वी एल था हमने बात की थी कि इस आई सी यानी कैपेसिटर करंट को और वी एल यानी इंडक्टर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है हमने इन टर्म्स ऑफ दीज टू स्टेट वेरिएबल्स तो उसके लिए वी हैव टू अप्लाई के वी एल एंड करंट लॉज इन दीज लूप्स जो हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नज़र आ रहे हैं सो so बेसिकली अगर मुझे आई सी मालूम करना है और वी एल मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ वी सी एंड आई एल बिकॉज वी सी एंड आई एल जो हैं वो मेरे बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स हैं जो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो अगर मैं नोड वन कंसिडर करूँ एज़ यू कैन सी इन फिगर थ्री पॉइंट फाइव सो फ्राम देयर आई कैन राइट द इक्वेशन फॉर माई करंट एज़ आई सी इज इक्व टू माइनस आई आर प्लस आई एल यानी जो ऑबली जो करंट एंटरिंग द नोड है वो uh, बराबर है माइनस आई एफ आर प्लस आई एल और यहाँ पे माइनस आई ऑफ आर के लिए की जगह आई कैन पुट विद वन ओवर आर ओवर वी सी का टर्म सो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट थ्री पॉइंट टू फोर और यहाँ अगर हम देखूँ थ्री पॉइंट टू फोर में तो बेसिकली uh, जो आई सी है आई कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल वी सी एंड आई एल बिकॉज आई सी को मैंने अब जो इक्वेशन थ्री पॉइंट टू फोर बनी है वहाँ वी सी और आई एल दोनों के टर्म्स अपेयर हो रहे हैं इसी तरह अगर मैं आउटर लूप की बात करूं तो वहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो देट सेम वोल्टेज इक्वेशन विल बी वी एल इज इक्वल टू माइनस वी सी प्लस वी ऑफ टी तो इधर जो है वो अब मैंने बेसिकली जो वी एल है उसको वी सी और हमारे जो आई एल है उसके टर्म्स में लिखना था तो इधर मेरे पास क्योंकि वी एल जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं है तो इसलिए बेसिकली वी सी और सोर्स के टर्म में मेरे पास इक्वेशन आ गई विच इज इक्वेशन थ्री पॉइंट टू फाइव तो नाव वी कैन सी के हमने इक्वेशन आई सी और वी एल की जो क्रिएट की है तो आई सी की इक्वेशन में बेसिकली मेरे पास दोनों स्टेट वेरिएबल्स आ रहे हैं वेर एज वी एल की जो इक्वेशन है उसमें मेरे पास इनपुट अपेयर हो रहा है एज वी ऑफ टी सो नाउ इन स्टेप नंबर फोर अब हम क्या करेंगे कि हमने जो पिछली स्लाइड में इक्वेशन 3.24 और 2.5 के अंदर जो दो इक्वेशंस क्रिएट की थी आई और वी की आई आईसी में दो स्टेट वेरिएबल्स आ रहे थे और जो आई की वी की इक्वेशन थी वहाँ पे इनपुट सोर्स वी आ रहा था अब मैं यही दोनों इक्वेशंस जो 3.24 और 2.5 से जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं फॉर आई सी एंड वी एल उनको इक्वेशन थ्री पॉइंट टू टू और टू थ्री में पुट करूँगा तो आफ्टर पुटिंग दोज वैल्यूज़ जो राइट हैंड साइड में हमें नज़र आ रही है फॉर कैपेसिटर सी डी वी सी ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस वन ओवर आर वी सी प्लस आई एल ये थ्री पॉइंट टू सिक्स ए मैंने कह दिया और इसी तरह जब मैंने इंडक्टर की इक्वेशन में आई एल की वैल्यू पुट की है जो मैंने वी एल की वैल्यू पुट की है सॉरी तो आई कैन गेट एल डी आई एल ओ आर डी टी माइनस वी सी प्लस वी टी अब यहाँ पे बड़ा क्लियरली यू कैन सी कि जो दो स्टेट वेरिएबल्स हैं एक स्टेट वेरिएबल में बेसिकली आई कैन रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी सी एंड आई एल विच आर द स्टेट वेरिएबल्स और जो दूसरी इंडक्टर की इक्वेशन है उसमें मैंने मुझे इनपुट एक्सप्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है सो जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल मैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे कैपेसिटर का और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इंडक्टर का जो टर्म है बेसिकली सी और एल उन दोनों को राइट हैंड साइड पे मूव करता हूँ सो आई विल गेट द डी वी सी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस वन ओवर आर सी वी सी प्लस वन ओवर सी इन टू आई एल इसी तरीके से जो इंडक्टर की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी डी आई एल ओवर डी टी इजिक्वस टू माइनस वन ओवर एल वी सी प्लस वन ओवर एल वी एफ टी तो यहाँ से अब मेरे पास इक्वेशन टू पॉइंट थ्री पॉइंट टू सेवन और ए और थ्री पॉइंट टू सेवन बी आ गई इन टर्म्स ऑफ टू स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस नाउ इन स्टेप नाइव जो कि फाइनल स्टेप है यहाँ पे आई वांट टू रेफर बैक टू द प्रीवियस लेक्चर कि जहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी इफ़ यू रिमेंबर इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट वन फाइव कि जहाँ पर एक्स डॉट इज़ इक्स टू एक्स प्लस बी यू ये मेरे पास जो है वो स्टेट इक्वेशन बनी थी और जब आउटपुट की इक्वेशन बनाते हैं तो दैट वाज वाई इज़ इक्स टू सी एक्स प्लस डी यू तो उसी को सामने रखते हुए वी नो के जी हमारे पास अगर मैं इक्वेशन थ्री पॉइंट टू सेवन देखूँ ए और बी तो स्टेट इक्वेशन बनी है मेरे पास दो Uh, और बेसिकली जो आई आर की अगर मुझे इक्वेशन मालूम करनी है विच इज़ आउटपुट इक्वेशन तो आउटपुट क्योंकि हमने सवाल में भी देखा था कि दैट वॉज़ करंट अक्रॉस दी रेजिस्टेंस तो आई आर टी मेरा आउटपुट uh, साइड बनेगा तो आई आर टी या आई आर के लिए जो मैं अगर वैल्यू देखूँ तो दैट विल बी वन ओवर आर इन टू वी ओफ सी तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास इक्वेशन थ्री पॉइंट टू सेवन ए और टू सेवन बी के शक्ल में स्टेट इक्वेशन दो आ गई हैं और इक्वेशन 3.28 से आउटपुट इक्वेशन आ गई है तो इसका मतलब है कम्प्लीटली मेरे पास जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है वो मालूम करने के लिए मैं अब आसानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ सो दैट इज़ वाई वी वी कैन राइट 3.27 पॉइंट टू सेवन एंड थ्री पॉइंट टू एट एज जो हमारे पास लेफ्ट एंड साइड पे वी सी डॉट और आई एल डॉट यहाँ पर लगा हुआ है और ये डॉट ऑबियसली हमने बात की थी पहले कि ये स्टेट वेरिएबल्स uh, को ज़ाहिर करता है वैक्टर फॉर्म में जिसको हमने एक्स डॉट से रिप्रेजेंट किया था इक्वेशन थ्री पॉइंट वन फाइव में तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल्स हैं तो दैट इज वाई वी हैव वी सी डॉट और आई एल डॉट इसी तरीके से इक्वल्स टू के उस तरफ जो है वो बेसिकली हमारे पास जो दो स्टेट वेरिएबल्स हैं वी सी और वी एल इक्वेशन थ्री पॉइंट टू सेवन ए और बी तो वी सी का जो वे, आ, वेक्टर है वहाँ पे वी सी के साथ पहली इक्वेशन में मेरे पास माइनस वन ओवर आर सी का टर्म है दैट इज वाई वी है माइनस वन ओवर आर सी सेकेंड इक्वेशन में वी सी का जो टर्म है दैट इज माइनस वन ओवर एल तो दैट इज द रीजन वी हैव रिटन माइनस वन ओवर एल दूसरा जो स्टेट वेरिएबल है हमारे पास दैट इज़ आई एल अब आई एल का इक्वेशन थ्री पॉइंट टू सेवन में इफ यू कैन रेफर बैक वहाँ हमारे पास वन ओवर सी का टर्म आ रहा है दैट इज वाई वी हैव रिटन इन द मैट्रिक्स वन ओवर सी वेर एज इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट टू सेवन बी में आई एल का कोई टर्म नहीं था दैट इज वाई वी हैव रिटन जीरो हेर और नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट विद द वैक्टर वी सी ओवर आई एल सो वी गेट द सेम इक्वेशन एज वी गॉट फ्रॉम द स्टेट इक्वेशन स्टेट इक्वेश उसके बाद जो इक्वेशन बनती है दैट इज हमने यहाँ पे बना लिया एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू ऑफ टी अब b जो है वो यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन uh, की फॉर्म में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जो स्टेट इक्वेशन देखूँ तो वहाँ पे जो टर्म है फॉर इनपुट यानी v ऑफ t मेरा इनपुट था तो पहली इक्वेशन 3.27 में अगर मैं देखूँ तो vl का कोई टर्म नहीं है दैट इज़ बाई वी हैव रिटर्न जीरो पे इस दूसरी इक्वेशन में v ऑफ t के साथ जो कोफिशेंट आ रहा है दैट इज वन ओवर l एंड वी मल्टीप्लाईड विद v ऑफ t सो so इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन 3.29 आ जाती है वेक्टर फॉर्मेशन में जो कि वेक्टर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो कि हमारी स्टेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है विद स्टेट वेरिएबल्स अब दूसरे केस में अगर मुझे आउटपुट इक्वेशन बनानी थी तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट के वाई इज इक्वल्स टू वी हैव डी एक्स सी एक्स प्लस डी यू तो यहाँ पे जो x है बेसिकली दैट इज अगेन द स्टेट वेरिएबल वी सी एंड आई एल तो आउटपुट इक्वेशन जो इक्वेशन 3.28 है वहाँ पे अगर मैं आई आर की इक्वेशन बनाऊँ सो दट विल बी जो वी सी का टर्म है दैट इज़ वन ओवर आर और आई एल का जो टर्म है दैट इज जीरो सो आई हैव आई कैन गेट इक्वेशन थ्री बी इन द मैट्रिक्स फॉर्म फॉर दी आउटपुट इक्वेशन सो वि दिस वी एंड अप विद दिस नोमरिकल एंड वी हैव सीन के किस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क गिवन था और उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बेसिकली वी हैड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल आउट ऑल दी करंट इन दाइग्राम और उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन कौन से एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं तो कैपेसिटर और इंडक्टर थे हमने उनको कंसिडर किया और उसके बाद जो है वो हमने उन um, को बेसिकली आई सी और आई एल को वी नीड टू डू के जी हम इंडिपेंडेंट बना दें uh, और एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा मिल जाए इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स और उसी के साथ साथ uh, जो इनपुट uh, है वी ऑफ टी के साथ तो हमने स्टेप थ्री uh, में बेसिकली uh, वो काम किया स्टेप फोर में हमने जब हमारे पास वो इक्वेशंस आ गई के वी एल और करंट लॉज अप्लाई करने के बाद तो हमने जो मेन इक्वेशन थी कंडक्टर uh, की और कैपेसिटर की वहाँ पे इन वैल्यूज़ को मूव किया और स्टेप फाइव में हमने आउटपुट इक्वेशन बनाने के बाद इन तमाम चीज़ों को यानी स्टेट इक्वेशंस को और आउटपुट इक्वेशंस को फाइनली ही फॉर्म में लिखा सो आफ्टर डिस्कसिंग द प्रीवियस एग्जांपल नाउ देयर इज अ रीडिंग असाइनमेंट एंड प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट नीड्स टू सॉल्व दम सेल्फ Uh, यहाँ पे बेसिकली जस्ट टू एक्सप्लेन विद द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ वन आर वन आर टू दो रेजिस्टेंस हैं हमारे पास और दो ही हमारे पास इनपुट uh, सप्लाइज हैं सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम नेक्स्ट अब हम एक मैकेनिकल नेटवर्क बेस्ड जो है वो सिस्टम देखेंगे और वी विल ट्राई टू सॉल्व फॉर द स्टेट स्पेस रिप्रजेंटेशन फॉर दैटिक मकैनिकल नेटवर्क ओके सो नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू अप्लाई द रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसलेशन मकैनिकल सिस्टम यहाँ पे वी हैव दिस स्टेट इक्वेशन जो हमें मालूम करनी है फॉर दिस ट्रांसलेशन मकैनिकल सिस्टम फिगर थ्री पॉइंट फाइव

Uh, we do not have any coefficient of fri friction uh, between the surface and m1 and uh, surface and m2 or though different displacements hain, for m1 is x1 and for m2 we have x of 2 or f of t is the force so first of all uh, we uh, understand from the previous chapter uh, which our previous lecture we discussed in chapter 2 how to create these uh, differential equations सो वी आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया ये कि हमने जो ट्रांसफॉर्म्ड लेपलास ट्रांसफॉर्म जो इक्वेशन ऑफ मोशन है uh, वो यहाँ पे लिखी हैं इस पर्टूलर थ्री पॉइंट फाइव के लिए सो वी विल हैव टू डिफरेंट इक्वेश वन फॉर एम वन एंड वन फॉर एम टू सो इस केस में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग अ लेप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर हम उसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इन इक्वेश का फॉर जीरो इनिशियल कंडीशन सो फ्रॉम दैट वी विल हैव द फर्स्ट इक्वेशन एज एम वन डी स्क्वायर एक्स वन डी टी प्लस डी डी एक्स वन और डी टी दिस इज बिकॉज ऑफ द विस्कस डैम्पर और उसके बाद जो हमारे पास दो स्प्रिंग की वजह से जो एक तो x1 की डिस्प्लेसमेंट है माइनस क्योंकि m2 को भी कंसीडर करते हैं हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सो दैट इज वाई वी हैव के एक्स वन माइनस के एक्स टू एंड ऑब्वियसली ऑल फोर्सेज विल बी इक्वल टू जीरो दूसरे केस में वी विल हैव एन इफेक्ट फ्रॉम दी सेकेंड मास जो है तो वहाँ पर नेगेटिव माइनस के एक्स वन एक फोर्स आपके पास अप्लाई हो रही है और उसी के साथ साथ जो एम टू के साथ डी स्क्वायर एक्स टू व डी टी स्क् प्लस के एक्स टू इज टू एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ एस यहाँ पे हम लेप्लास में बात करेंगे इसकी तो अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जो डी स्क्वायर एक्स वन ओर डी टी स्क्वायर है क्योंकि एक्स वन जो है वो डिसप्लेसमेंट है

और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे मेरे पास चार स्टेट्स पे आ, स्टेट वेरिएबल्स हैं बेसिकली एक्स वन वी वन यानी जो एक्स वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट और वी वन इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद दैट डिस्प्लेसमेंट एक्स वन इसी तरह एक्स टू की डिस्प्लेसमेंट और वी टू इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स नेक्स्ट uh, जो है वो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट फोर फोर और फोर फाइव है दोनों को हम ब्रेक कर सकते हैं बेसिकली चार डिफरेंट इक्वेशंस में बिकॉज वी विल हैव टू गेट फोर डिफरेंट स्टेट इक्वेशंस हमारे पास क्योंकि चार यहाँ पे बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स हैं अब क्योंकि ऑर्डर जो है वो इक्वेशन हमने बात की थी इससे पिछले चैप्टर में कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो टू है तो इसके ऑर्डर को हमें वन करना है और चार साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है बिकॉज वी हैव फोर स्टेट वेरिएबल्स इन द सिस्टम सो एज यू आर डिस्कसिंग प्रीवियसली के हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म है कि वो हमारे पास जो इक्वेशन थ्री पॉइंट फोर फोर और फोर फाइव आई थी वहाँ से हम दोनों इक्वेशंस यानी इक्वेशन 3.44 से दो इक्वेशंस क्रिएट करेंगे क्योंकि तो जो सेकेंड ऑर्डर थी इसी तरह 3.45 से हम जो है वो दो इक्वेशंस क्रिएट करेंगे तो फाइनली वी कैन से जो हमारा डी एक्स वन और डी टी है दैट इज़ वी वन एंड डी एक्स टू और डी टी इज़ वी टू तो टू कंप्लीट द इक्वेशंस हमें थ्री पॉइंट फोर सिक्स ए में इट्स तो तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के अगर मैं डी एक्स वन और डी टी यानी जब मैं अपनी डिसप्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करूँगा आई विल एंड अप विद द विलासिटी वी वन और इसी तरह थ्री पॉइंट फोर सिक्स सी में कि जब मैं डिस्प, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजिशन एक्स टू को डिफ्रेंशिएट करूँगा आई विल हैवोसिटी वी टू अब जो थ्री पॉइंट फोर सिक्स बी और फोर सिक्स डी आई हैं उनको बेसिकली सिम्प्लीफाई करने के लिए हमने जो इक्वेशन थ्री पॉइंट फोर फोर देखा था अगर मैं वहाँ पर डी स्क्वायर एक्स वन ओवर डी टी स्क्र की जगह डी वी वन डी वी वन और डी टी लिख दूंगा तो वहाँ से बेसिकली उसको सिम्प्लीफाई करके आई विल हैव इक्वेशन थ्री पॉइंट फोर सिक्स बी और इसी तरीके से थ्री पॉइंट फोर फाइव इक्वेशन को अगर मैं uh, वहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो आई विल हैव इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट फोर सिक्स डी सो नाउ वी हैव फोर डिफरेंट इक्वेशंस चार हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आ गई हैं

जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू यानी हमारे पास uh, जो ए का मैट्रिक्स है दैट इज बेसिकली द दम्पोजिशन ऑफ ऑल स्टेट वेरिएबल्स तो एक्स वन का जो टर्म है इक्वेशन नंबर वन में दैट वाज जीरो सेकंड इक्वेशन में जो थ्री पॉइंट फोर सिक्स पी थी माइनस के और एम वन विद एक्स वन आ रहा था uh, इसी तरीके से वी विल बी मेकिंग ऑल द इक्वेशंस फॉर दी फॉर डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स प्लस जो बी है हमारे पास वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो आउटपुट है सॉरी uh, जो इनपुट uh, साइड है विच कंसिस्ट ऑफ के जी शुरू की तीन इक्वेशन में हमारे पास कोई भी एफ ऑफ टी का टर्म नहीं आ रहा था दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग जीरो और फाइनल जो इक्वेशन थी थ्री थ्री पॉइंट फोर सिक्स जी वहाँ पर वन ओवर एम टू का फैक्टर आ रहा था तो दैट इज़ वाई वी हैव पुट वन ओवर एम टू मल्टीप्लाई बाई एफ एफ टी सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से हम एक मैकेनिकल नेटवर्क यानी मैकेनिकल सिस्टम की या ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम की अगर हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन अप्लाई करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं ओके सो नाउ वी हैव दिस एग्ज़ाम्पल थ्री पॉइंट टू जहाँ पर हमारे पास एक और ट्रांसलेशन मैकेल सिस्टम हमें फिगर में नज़र आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर फिगर वी कैन सी के हमारे पास तीन डिफरेंट मासज हैं सो वी विल वी कैन के वी विल हैव थ्री डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टी एक्स टू ऑफ टी और एक्स ऑफ एक्स थ्री ऑफ टी की वजह से इसके साथ साथ वी विल वी हैव टू विस्कस टैंपर्स कनेक्टेड और एक दो स्प्रिंग्स भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं सो कंसिडरिंग दिस सिस्टम अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें सो इन प्लास्ट मेन सो यू कैन सी के इन द फर्स्ट केस जहाँ पे एक्स एम वन के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ यानी एक्स वन ऑफ टी जो है दैट टर्म विल बी पॉजिटिव वाइल एक्स टू ऑफ टी एंड एक्स थ्री ऑफ जो हमारे पास uh, है बेसिकली वो जीरो होंगे सो द फर्स्ट इक्वेशन विल भी एस स्क्वा बिकॉज ऑफ द मास प्लस एस बिकॉज ऑफ द विस्कस डैम्पर एंड वन न्यूटन इज फॉर बेसिकली स्प्रिंग तो यहाँ पे वी नीड टू मल्टीप्लाई विद एक्स वन ऑफ एस इसके बाद जो uh, दूसरा इफेक्ट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दी एम टू साइड विच इज़ माइनस एस क्योंकि हमारे पास रिस्कस डैम्पर लगा हुआ है विद एक्स टू ऑफ एस एंड देन इट इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इसी तरीके से हमने बाकी दो जो दो केसेस हैं यानी एक्स टू केस के, के लिए किया है यहाँ पर जो कि एक्स टू पॉजिटिव होगा एक्स वन और एक्स थ्री uh, का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा अब एक्स वन की तरफ से जो इफेक्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ द विस्कस डैम्पर माइनस एस एक्स वन ऑफ एस और जो सिंपल आपके पास स्प्रिंग uh, की वजह से जो इफेक्ट नज़र आ रहा है फॉर एक्स थ्री दैट विल बी माइनस एक्स थ्री ऑफ एस एंड इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो इसी तरह तीसरे एम थ्री के लिए अगर मैं इक्वेशन कनेक्ट करूँ सो इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव फॉर द एक्स थ्री ऑफ एस माइनस एक्स टू के साइड से बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग वी हैव वैल्यू ऑफ वन तो वी हैव माइनस एक्स ऑफ टू एस अब यहाँ पे जो इक्वेशंस हमें मिली हैं अगर मैं इन इक्वेश्स का इन्वर्स लप्लास्ट ट्रांसफॉर्म लूँ और सिंप्लीफाई करूँ सो बेसिकली वी कैन गेट दीज थ्री इक्वेशंस जो कि एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री डबल डॉट्स की फॉर्म में हमें अचीव होती हैं नाव ऑबियसली वी कैन से एस स्क्वायर की जो रिप्लेसमेंट uh, uh, है दैट इज़ एक्स वन डबल डॉट और इसी तरह से जो एस है दैट इज एक्स वन ऑफ डॉट तो वी क्रिएटेड दीज थ्री इक्वेश जो कि डबल डॉट की फॉर्म में हैं विच इज़ एक्स वन डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एक्स वन डब एक्स वन डॉट माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू ऑफ डॉट प्लस एफ तो so, ये हमारी पहली इक्वेशन से निकल के आई है इसी तरह दूसरी इक्वेशन से वी कैन गेट फॉर एक्स टू डबल डॉट की इक्वेशन मिलेगी हमें इज इक्वल्स टू एक्स वन ऑफ डॉट माइनस एक्स टू डॉट माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अब एक्स थ्री के लिए एक्स थ्री डबल डॉट के लिए इट विल बी माइनस एक्स थ्री डॉट माइनस एक्स थ्री प्लस एक्स टू तो ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यू कैन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी अगर हम लिखते हैं हमने डायरेक्टली यहाँ पे डॉट्स uh, की फॉर्म में और एस डोमेन में काम किया तो ऑर्डर इज़ टू तो इट इज़ इम्पोर्टेंट के वी सिम्प्लीफाई द ऑर्डर और उसको क्योंकि चार हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं ये हमें जहन में रखना है वो चार हमने जैसे बात की थी uh, दोज फोर आर बेसिकली देट वेरिएबल्स जो कि हम एसोशिएट करेंगे एक्स वन एक्स वन डॉट एक्स टू एक्स टू डॉट एक्स थ्री और एक्स थ्री डॉट की टर्म्स में तो उसको इक्वेशन में यहाँ पर पुट करने के लिए हमने डिफाइन किया स्टेट वेरिएबल जेड आई तो वी कैन से जेड वन इज़ एक्स वन और जेड टू इज एक्स वन डॉट इसी तरह जेड थ्री इज एक्स टू और जेड फोर इज़ एक्स टू डॉट और जो तीसरा है एक्स थ्री वो z5 फाइव और उसका जो x डॉट है यानी x3 डॉट है दैट इज z6 नाउ वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दीज इक्वेशन इन द सेंस के जी जो हायर डिग्रीज हैं उनको हम लोअर डिग्रीज या साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहले बात की थी ओके okay, सो so, uh, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में कंसिडरेशन की थी ऑफ दी जेड वन टू जेड सिक्स फॉर एक्स वन से एक्स थ्री तक और उनके डॉट वैल्यूज तक तो so, अब अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में स्टेट इक्वेशन यूज बनाने की कोशिश करूँ यूजिंग दी स्टेट वेरिएबल्स और उनके इनवर्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सो वी कैन से जी जो जेड वन था वो x1 के बराबर था और z2 जो है वो x1 वन डॉट के बराबर है तो फ्रॉम दीज दीज टू आई कैन से जेड वन डॉट जो है यानी मैं पहली एक्स uh, वन का अगर डिफ्रेंशिएट ले तो दैट z1 वन डॉट इक्वल्स टू z2 ये मेरे पास पहली स्टेट uh, इक्वेशन आ गई इसी तरह दूसरी स्टेट इक्वेशन आई कैन गेट इट फ्रॉम दी जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी प्रीवियस स्लाइड में अबाउट द फर्स्ट केस एक्स वन ऑफ एस के लिए तो वहाँ पे बेसिकली एक्स जेड जेड टू डॉट यानी एक्स वन का डबल डॉट अगर मैं लेता हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू जेड टू डॉट तो वहाँ वो इक्वल इक्वेशन बराबर थी इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड माइनस एक्स वन डॉट माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट प्लस एफ और अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं माइनस एक्स वन डॉट माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट प्लस एफ़ की इनको एक्स वन और एक्स के जितने टर्म्स हैं इनको मैं इनके जेड फॉर्म से रिप्लेस कर सकता हूँ यानी माइनस एक्स वन डॉट कैन बी रिप्लेस विद माइनस जेड टू और इसी तरह माइनस एक्स वन जो है उसको मैं बेसिकली माइनस जेड वन से रिप्लेस कर सकता हूँ एंड फाइनली जो प्लस का एक्स टू डॉट है उसको मैं जेड फोर से रिप्लेस कर सकता हूँ सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक्स वन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो दो इक्वेश ये बन गई दूसरा अगर मैं z3 थ्री डॉट की बात करूँ तो z3 थ्री डॉट बेसिकली अगर मैं x2 का डबल डॉट ले लूँ या मैं बात करूँ कि z4 का अगर मैं कंसिडर करूँ z4 x2 एक्स टू डॉट के बराबर था तो बेसिकली z3 थ्री डॉट जो है वो z4 के बराबर हो सकता है इसी तरह उसकी जो स्टेट इक्वेशन थी x2 की तो z4 फोर डॉट जो है वो बेसिकली एक्स Uh, का बेसिकली मैं एक और एक्स टू डॉट ले रहा हूँ और दैट इक्वेशन वाज इक्वल टू फ्रॉम द प्रीवियस साइड स्लाइड जो था एक्स वन डॉट माइनस एक्स टू डॉट माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री तो यहाँ पे अब यही जो एक्स के टर्म्स इनको मैंने दोबारा जेड के टर्म्स में कर दिया तो एक्स वन डॉट कैन बी रिप्लेस विद जेड टू डॉट इसी तरह माइनस एक्स टू डॉट कैन बी रिप्लेस विद जेड फोर और जो एक्स टू है उसको मैं जेड थ्री से और एक्स थ्री को z5 से रिप्लेस कर दिया नाउ कम्स विद थर्ड इक्वेशन जो हमने पिछली स्लाइड में बनाई थी तो वहाँ z5 का अगर डॉट लूंगा तो दैट इज इक्वल टू जेड सिक्स और वो बेसिकली इक्वल है x3 के यानी मैं कर के आ रहा हूँ कि मैं एक सिंपल जो आ, हमारे पास स्टेट स्पेस है उसको z की फॉर्म में लाने के लिए एक तो सिंगल डॉट की वैल्यूज निकाल रहा हूँ और दूसरा जो डबल डॉट्स की वैल्यूज है उनको निकाल लूँ उन्हीं z6 के मिसाल के तौर पे पहले केस में मैंने अगर z2 की इक्वेशन बनाई थी तो z2 डॉट की दूसरी इक्वेशन बनी तीसरे के दूसरी इक्वेशन के लिए z4 की अगर इक्वेशन बनाई थी तो z4 डॉट की इक्वेशन बनाई ताकि मेरे पास स्टेट जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट हो सके और इसी तरह z6 के लिए जब मैंने इक्वेशन बनाई तो अगली इक्वेशन z6 डॉट के लिए मैं क्रिएट करूंगा सो आई गॉट दिस इक्वेशन एज माइनस जेड सिक्स माइनस जेड फाइव प्लस जेड थ्री तो अब मेरे पास ये टोटल जो है वो छः इक्वेशंस आ गई हैं और इन छः इक्वेश में जो टर्म्स हैं बेसिकली वो z2 z2 डॉट z4 z4 डॉट और z6 z6 डॉट की इक्वेशंस आ गई हैं मेरे पास तो नाउ आई कैन सिंपली अप्लाई वेक्टर फॉर्म अगर मुझे अप्लाई करनी है तो आई कैन ईजीली मेक द वैक्टर फ्राम दीज six equations ओके सो कंसिडरिंग द प्रीवियस सिक्स इक्वेशंस जो हमने लास्ट स्लाइड uh, में डिस्कस भी की थी तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो वी कैन क्लियरली सी के जो हमारी आउटपुट साइड है दैट इज एक्स थ्री वाली साइड थी एंड वी कैन क्लियरली सी जो हमने सपोजिशन की थी इन टर्म्स ऑफ जेड वैल्यूज तो जो एक्स थ्री ऑफ टी है दैट इज कनेक्टेड विदेड फाइव इसी तरीके से आ, हमारे पास जो आउटपुट है अगर मैं आउटपुट इक्वेशन बनाऊं तो वाई इज इक्वल टू जेड फाइव यानी y जो है वो एक्स थ्री है मेरा आउटपुट इज सिंपली जेड थ्री तो नाउ पुटिंग ऑल दीज इक्वेशंस जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी अगर मैं इसको अब यहाँ पे आ, इसकी वेक्टर मैट्रिक्स क्रिएट करूँ तो जो स्टेट वेरिएबल है बेसिकली यानी जो अगेन वी गो बैक टू स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने बनाई थी विच वॉज एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू और इसी तरह आउटपुट की इक्वेशन थी तो इनपुट की इक्वेशन के लिए वी कैन सी के एक्स डॉट में तमाम हमारे स्टेट वेरिएबल्स आ रहे थे तो यहाँ पे जेड डॉट होगा बेसिकली वो अब z डॉट को अगर मैं देखूं तो वी कैन गेट ऑल द कोफिशंट्स जो इस मैट्रिक्स में हमें नज़र आ रहे हैं जीरो माइनस वन जीरो तो ये जो हमने पिछली इक्वेशन uh, क्रिएट की थी वहाँ से z1 z2 z3 z4 के फॉर्म में हमारे पास जितने भी कोफ़िशंट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो हमने इस uh, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख दिया एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद जेड सो दैट इज वाई हमने इक्वल्स टू के साइड पे जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे उसको जेड की फॉर्म में लिखा है इसी तरह प्लस जो हमारे पास बी यू ऑफ टी यानी बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द इनपुट तो इनपुट वॉज एफ t अब इनपुट एफ ऑफ टी जो है वो सिर्फ एक इक्वेशन में आ रहा था जो कि z2 टू डॉट की इक्वेशन थी दैट इज वाई वी आर गेटिंग ओनली सेकेंड एलिमेंट ऑफ द वैक्टर एज वन रादर जो तमाम की तमाम पांच इक्वेशंस थी वो हमारे पास ज़ीरो आ रही है। इसी तरीके से जो आउटपुट इक्वेशन थी क्योंकि आउटपुट हमने इससे पहले ऊपर जो बात की है अभी कि वाई इक्वल्स टू जेड फाइव है तो बेसिकली ये जो वाई इक्वल्स टू जेड फाइव है इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो आ, बेसिकली जो z आ रहा है वो सिर्फ हमारे पास आउटपुट इक्वेशन यानी फिफ्थ एलिमेंट के लिए आएगा वन बाकी वन टू थ्री फोर और सिक्स एलिमेंट में ये ज़ीरो रहेगा मल्टीप्लाई विद द जेड तो विद दिस वी कैन सी के इफ़ वी हैव सम मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लाइक दिस हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम की बात की है तो उसको बेसिकली हम आसानी, uh, एक तो अगर वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में बनाने का आसान हल ये है कि हम उसको Z से रिप्लेस कर दें ताकि हमारे पास जो मल्टीपल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्रिएट कर सकें इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस होल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ओके सो विद दैट वी हैव एंड अप विद दिस नोमेरिकल्स जो हमने एग्जांपल देखे इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को समझा डिफरेंट स्टेप्स को देखा और इस लेक्चर uh, में हमने इलेक्ट्रिकल और ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर किस तरीके से ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अप्लाई होती है वो uh, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा नेक्स्ट जो अब हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन टू डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर रिमेनिंग अगर तो मेरे पास एक ट्रांसफर uh, फंक्शन की फॉर्म में कोई भी सिस्टम ग्रेफाइन है Uh, तो अगर मुझे इसको स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या क्या तरीक़ेकार है उसमें फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे इसी तरीके से अगर मेरे पास ऑन द अदर वे अराउंड एक स्टेट फेस uh, में सिस्टम गिवन है तो मैंने अगर ट्रांसफ़र फंक्शन मालूम करना है तो वो किस तरीके से होगा uh, और उसकी फिर हम एक एग्ज़ाम्पल uh, की मदद से समझने की कोशिश करेंगे सो थैंक यू फॉर लिसनिंग We will see uh, and discuss these topics in the next lecture. Uh, till then, thank you very much, and Allah Hafiz.